अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह मियाँ आप लोगों को इन फूलों की तरह हंसता मुस्कराता शादो आबाद अपने घर में अपनी हिफ्ज़ो अमान से रखे। और जो है मैंने कहा कि आज जो है वो सुबह सुबह जो है मैंने इन फ्लावर्स को देखा, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी इन फ्लावर्स की वीडियो शेयर करूं, क्योंकि ये फ्लावर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये फ़्लावर्स किस किस को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो है मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये जो है ना ब्यूटी जो हमारे मुल्क की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्लावर्स तो वैसे भी आँखों को इतने अच्छे लगते हैं, तो जो भी हों जिस किस्म के भी हों। तो यहाँ पे जो है ये रात का व्लॉग है और जो है मीरब ने खाने थे होटल वाले चावल तो जो है मेरे हस्बैंड को कॉल करके कहा कि मीरब ने जो है वो होटल वाले चावल खाने, तो आप जो है वो आते हुए ले आइएगा। तो वो ये बाबूजी से लेके आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यमी है। और जिस जिसके घर के पास जो है वो बाबूजी है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है जिस जिसने खाना है वो अभी यहाँ से चख सकता है और उसके बाद फिर अपने हर्षे पे जाके बाबूजी से चावल खा सकता है। तो जो है मीरब से मैं बार बार पूछ रही थी, मैंने कहा मीरब आपको कैसे लगे। मीरब कहती है बहुत मज़े के हैं होटल वाले चावल। उसको हम छेड़ रहे थे कि होटल वाले चावल क्या होता है। और जो है बार बार बाबू को कहती थी बाबा थैंक यू, आप जो है वो मेरे लिए होटल वाले चावल लेके आए। और जो है हम उसको बार बार छेड़ रहे थे कि ये होटल वाले चावल तो हमें बता दो ये होता क्या है। तो वो जो है ना वो हमें टोटली इग्नोर कर रही थी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ जो है वो मैं सैलड बना रही थी क्योंकि जो है मेरे घर गेस्ट आ रहे थे और मैंने उनको जो है लंच पे इनवाइट किया था, तो जो है उनके लिए जो है मैं वो सैलड बना रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो हाफ़ मैंने पहले ऐड किया था और हाफ बाद में, यानी कि फुल क्रीम का पैकेट जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको सही से जो है वो उसके अंदर मिक्स किया कि वो यानी दही और जो वो क्रीम है वो सही से इसके अंदर ऐड हो जाए। और फिर मैंने जो है इसमें हाफ़ पैकेट जो है वो मायोनीज़ का ऐड किया है। और आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर ज़्यादा खाना है तो फुल भी आप ऐड कर सकते हो। और ऐड कर मैंने तो हाफ़ इसमें ऐड किया और ऐड करने के बाद जो है वो मैंने इसको सही से मिक्स किया और ताकि जो है वो सही से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो जो आपको पसंद हैं। और फिर मैंने इसमें जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वह नमक ऐड किया और वन टीस्पून ही था, मतलब कि मैंने वन टीस्पून अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक ऐड किया। आपने जितना भी मतलब खाना है आप ऐड कर सकते हो, तो आप ऐड कर दें। आपने मतलब काली मिर्च जितनी भी ऐड करनी है वो भी आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर लें। और इसको सही से मिक्स करके फिर मैंने इसके लिए जो है वो बंद गोभी और गाजर और खीरा सेब और केला ये मैंने कट करके जो है वो मैंने रखा हुआ था वो फिर मैंने इसमें बाद में मिक्स किया। और यहाँ पे मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो चीनी भी ऐड की है। और फिर मैंने इसको खूब से हिलाया क्योंकि ये वाली चीनी मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने इसको खूब हिलाने के बाद इसमें मैंने वो जो चीज़ें कट करके रखी थी वो ऐड की। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मटर बॉईल करके ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, टिन क्रॉकटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। आप कुछ जो हो वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आप जितना भी गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा ही टेस्टी होगा। लेकिन मैंने ये सिंपल से डाले हैं, चीज़ें डाली हैं कि जो नॉर्मल हर किसी के घर में मौजूद हों और वो जो है वो मतलब ईज़िली जो है वो इसको बना सके। तो ये इजी रेसिपी ये वाली है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ आपके पास मौजूद है या आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। और मुझे बताइएगा कि किस किस ने ट्राई किया है और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आप सबको। और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बना था और अभी भी मुझे देख के जो है वो मुँह में इतना पानी आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और जो है ये देखें इसकी जो है अब आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और ये जो है बहुत ही यमी टेस्टी और क्रीमी सा है क्योंकि इसमें क्रीम ऐड है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा बनता है।
और इसके अलावा मैंने जो है वो चिकन मंचूरियन बनाया था, फ्राइड राइस बनाए थे, आलू के कबाब बनाए थे और चिकन कॉर्न सूप बनाया था। और सॉरी 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 कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था शूट करने का। ये मैंने थोड़ा थोड़ा जो शूट किया ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है मैंने मुश्किल से शूट किया। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जो है चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस और आलू के कबाब और चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि रात में मैंने चिकन में जो है वो काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन की पेस्ट और सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, सॉरी चिली सॉस नहीं, सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक और लेमन ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये सही से हो जाए, मिक्स हो जाए। आपकी मर्ज़ी, आप घंटा रख सकते हैं, 2 घंटे रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा ये सही बनेगा। और सुबह पर मैंने इसमें जो है वो कॉर्नफ्लावर और मैदा और जो काली मिर्च और नमक फिर कॉर्नफ्लावर उसमें ऐड करके मैंने इस मिक्स करके इसको फ्राई कर लिया। और यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप भी बन रहा है। और अब ये फाइनल लुक देखें आप जो है चिकन मंचूरियन की। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सब कुछ आपको कैसा लगा। और जो है मेरी कज़न्स जो है वो केक लेके आई थी, तो मीरब ने केक आया और मीरब कट ना करें, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन सी बात है। और यहाँ पे मैंने इस पे मतलब इसको जो है डेकोरेशन के लिए इस पे जो है मैंने ऊपर तिल, वैसे इस पे तिल पड़ते हैं, आप ऊपर से इस पे डाल दें, और मैंने ये वाइट तिल डाले थे। तो अब इसी रेसिपी के साथ, वो इसी व्लॉग और रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़। आप सब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।